Ever wondered how your favorite cinematic creators make their videos cinematic? ये सिर्फ कैमरे का या लाइटिंग का खेल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डन बिहाइंड द सीन, दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन. पोस्ट प्रोडक्शन से मेरा मतलब है एडिटिंग में. एंड मैंने सिनेमाटोग्राफी में काफी ज्यादा अभी पंगे लेने स्टार्ट किए हैं. दीज टू आर दी सैम्पल्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स इन सिनेमैटिक सिनेमाटोग्राफी. एंड इन दोनों को बनाने के लिए, एंड मैंने काफ़ी और ज़्यादा भी बनाए हैं जो कि ऑफ द स्क्रीन है, मैंने पोस्ट नहीं करे हैं, इन वो सब को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स इंटरनेट से डाउनलोड करे, काफ़ी ज़्यादा खुद बनाए. एंड जब मैंने उन एलिमेंट्स को देखा, लाइक आई ऑर्गेनाइज देम, मैंने देखा कि यार दीज कैन रियली हेल्प यू गाइज क्रिएट योर वीडियोज मोर सिनेमैटिक, रील्स मोर सिनेमैटिक, वीडियोज जो भी आप बनाना चाहते हो. सो दिस वीडियो इज अ विजिबल वॉक थ्रू ऑफ द पैक दैट इज कॉल्ड सिनेमैटिक सॉस. एंड सॉस को हिंदी में कहते हैं चटनी. एंड चटनी कैसे बनती है, काफ़ी सारे चटपटे इन्ग्रीडियंट्स को जब मिक्स करते हैं वो चटपटी चटनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सिनेमैटिक सॉस. मैंने सब तरह के सिनेमैटिक एलिमेंट्स इसमें जो हैं पैकअप कर दिए हैं, लाइक लेटर बॉक्सेस, पंच होल ट्रांजिशंस, ग्रीन्स, फ्रेम्स, फ्लानर डिम करना, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यार. लेट्स स्ट्रेट अप गेट इन टू द वीडियो. मैं आपको बताऊंगा आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के अंदर, एंड एज वेल एज ऑन एंड्रॉयड. आपको पी सी पर समझाऊंगा लेकिन आपको एंड्रॉयड की परसेप्शन भी देता जाऊँगा साथ में कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. After Effects, मैं आपको दिखाता हूँ कि पैक कैसा दिखता है. पैक कुछ ऐसा दिखता है जो कि मैंने एज इट इज After Effects में जो है इम्पोर्ट कर लिया. एंड हेयर इज सम ऑफ माई मोटरसाइकिल क्लिप्स, कुछ नॉर्मल क्लिप्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है. इस क्लिप को मैं बनाऊँगा सिनेमैटिक आपकी आंखों के सामने, आपको सिखाऊंगा कि आप इस पैक को यूज़ करके किसी भी क्लिप को सिनेमैटिक कैसे बना सकते हो. सबसे पहले दो देर इज अ कट इन बिटवीन राइट हेयर, सो आई विल एड अ ट्रांजिशन हेयर. उसके लिए जाना पड़ेगा फिल्म बर्न्स में, एंड यू हैव अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच 29 फिल्म बर्न इफेक्ट्स. तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसमें, थोड़े से लंबे वाले भी हैं, थोड़े से शॉर्ट भी हैं. तो सी दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग फिल्म बर्न, सो यू कैन नॉट यूज़ दिस इन रील्स और स्टफ लाइक दैट, यू हैव टू यूज़ इट इन लॉन्ग वीडियोज. दिस वन इज़ शॉर्ट, ठीक है. तो हमने पहले तो इसको इम्पोर्ट कर लेना है, देन वी हैव टू रोटेट इट 90 इफ़ यू आर यूजिंग इट इन टू अ रील, ठीक है. नाउ जस्ट चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू स्क्रीन एंड यू विल गेट अ परफेक्ट सिनेमैटिक ट्रांजिशन. सी इज़ दैट ईजी. एंड्रॉयड में भी यही करना है, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा जो कि भाई आपकी ट्रांजिशन भाई बिल्कुल मस्त बना देगा. लाइक इट्स ऑलरेडी सिनेमैटिक. मैं एक और उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ एंड देयर यू गो, ठीक है. इसमें आवाज़ भी है, आवाज़ अपने हिसाब से, ऑडियो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट, आप कैसे हैंडल करते हो. मैं नॉर्मली रखता हूँ लाइक दिस इज़ इवन मोर शॉर्टर देन द अदर टू यूज्ड, ठीक है. इसको भी मैं स्क्रीन करके आप दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है. सो आई गेस दिस विल लुक रियली गुड, दिस इज़ लुकिंग सो कूल, ठीक है. इसको करने के बाद ये थी फिल्म बर्न्स, फिल्म ट्रांजिशंस. अपने कट्स को कैसे हाइड कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ प्लेयर्स. अभी चलते हैं लेटर बॉक्सेस में. लेटर बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लेटर बॉक्सेस यार होते क्या हैं. तो आपको बताता हूँ, लेटर बॉक्सेस आर लाइक, मैं एक सुटेबल उठा लेता हूँ दिस, ठीक है. तो दिस इज़ अ लेटर बॉक्स, आई विल रोटेट इट 90 एंड आई विल जस्ट गो लाइक दिस, ठीक है. तो लेटर बॉक्स क्या होता है, एक पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कैमरा शूट किया करते थे तो वो ऊपर नीचे या राइट और लेफ्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे, जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं लेटर बॉक्सेस, ठीक है. अब इसको आपने स्क्रीन नहीं करना है, बिकॉज स्क्रीन करने से कुछ नहीं होता. इसको आपने करना है मल्टीप्लाई करते ही वाइट वाली लेयर गायब हो जाएगी एंड यू विल हैव अ फ्रेम सॉर्ट ऑफ थिंग. ये इस पर अच्छी नहीं लगेगी, ये अच्छी लगेगी आपकी लैंडस्केप वीडियोज में, जो कि लैंडस्केप रहेंगी एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया उसमें एरिया रहेगा, बड़ा एरिया रहेगा. जैसे आप सपोज आपने वीडियो बनाई किसी ओशन व्यू की या फिर आपने वीडियो बनाई किसी पहाड़ की, तो उस पर आपने लेटर बॉक्स लगाना है, जो कि सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियोज तो आपका मेंटेन करेगा ही करेगा, लेकिन ये एक लेटर बॉक्स आपको पुराने टाइम के वो भी देगा, मतलब मज़े, ठीक है. इसके बाद नॉइस ग्रीन. नॉइस ग्रीन आपको पता ही होगा क्या होता है नॉइस ग्रीन, बेसिकली इट्स नॉइस एंड ग्रीन. एंड दिस वन इज़ बेसिकली द 8mm स्प्रॉकेट वन, जो कि स्प्रॉकेट अगर आपको नहीं पता है तो जो 8mm फिल्म होती थी उसमें ये स्प्रॉकेट होता था, दिस थिंग. स्प्रॉकेट इज़ लाइक द लिटिल क्लिप दैट होल्ड्स द फिल्म, एंड वो जब होल्ड करता था तो वहाँ पे जगह बन जाती थी एंड वो कुछ ऐसा दिखता था. इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं, आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एंड सी दिस लुक सो कूल इफ़ वी यूज़ इट इन एनी ऑफ द वीडियो. लाइक इस वीडियो में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ग्रीन भी हमको देखने को मिल जाएगा इसके साथ. यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको फुल कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रीन भी आ गया एंड वी कैन जस्ट सी
ग्रेन इसमें ऑटोमेटिकली आता है, आपकी ओरिजिनल वीडियो में भी होएगा। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ अब देख सकते हैं वी हैव ग्रेन, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ग्रेन तो यार किसी भी वीडियो में डाल दो मज़ा आ जाता है, ठीक है। नॉइस आपके पास एक स्प्रॉकेट वाली है, एक आपके पास स्टैटिक नॉइस है। स्टैटिक नॉइस से मेरा मतलब है विदाउट स्प्रॉकेट, जस्ट नॉइस। एंड द सेकंड वन इज जस्ट स्टैटिक नॉइस। स्टैटिक नॉइस से मेरा मतलब है नॉइस विद अ लिटिल स्प्रॉकेट विदाउट अ लेटर बॉक्स। इसको आपने स्क्रीन करना है जब आप ये यूज़ करते हो, सॉरी मैंने गलत कॉम्पोजिशन में डाल लिया, जब आप ये वाले यूज़ करते हो विदाउट द स्प्रॉकेट विदाउट द वाइट द थिंग जो भी समझ लो आप, इसको आपने करना है स्क्रीन बिकॉज इट्स टोटली ब्लैक, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसको अगर स्क्रीन करते हो तो आपको यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। देखिए आई लव दिस, आई रियली लव दिस स्प्रॉकेट इफेक्ट, और ये जो किसी भी वीडियो पे डालोगे तो मज़ा ही आने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो दिस लुक्स सो गुड एंड सो कूल मैन, लाइक सी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है आपके सिनेमैटिक वीडियोज़ के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज दिस वन नॉइस ग्रीन टू, दैट इज a little bit of noise, little bit of green, little bit of scan lines, ठीक है। तो scan lines क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो मैं इसको rotate करके full fix कर दूँ यहाँ पे। scan lines are these little lines which goes up and down to really scan it. This is not like really typically used in all the cinematic videos, but ये किसी किसी जगह में काम आते हैं, वो आप देख लो कहाँ पे। And my favorite one, favorite thing, मज़ा आ गया जिसको मैं यूज़ करता हूँ हर एक सिनेमैटिक वीडियो में, दैट इज़ पंच होल ट्रांजिशंस। नॉट इन हर एक सिनेमैटिक वीडियो में, क्योंकि एक सूदिंग लो एनर्जी सिनेमैटिक वीडियो में ये नहीं यूज़ होंगे, ये होंगे एक हाई एनर्जी सिनेमैटिक वीडियो में। जैसे कि ये एक बाइक की है, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ लो एनर्जी सिनेमैटिक वीडियो, दिस हैज़ टू बी अ हाई एनर्जी सिनेमैटिक वीडियो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पंच होल ट्रांजिशंस होते क्या हैं, तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक तो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि दीज आर पंच होल ट्रांजिशन। इस पे ब्लेंडिंग मोड काफ़ी ज़्यादा अजीब से लगते हैं, जो कि नीचे होते हैं, जो कि आप कभी भी यूज़ नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इस प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा मैं, विच इज़ डिफरेंस। तो अभी आप देखो दिस विल एक्ट लाइक दिस, सी दिस लुक सो डोप मैन। इफ़ यू यूज़ क्लासिक डिफरेंस टू यू विल गेट लाइक डिफरेंट इफेक्ट्स विद डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड, जैसे कि एक्सक्लूजन सब्सट्रैक्ट से पूरा ब्लू हो जाता है, बट दिस स्टिल लुक्स सुपर गुड, ठीक है। एंड वी गॉट लास्ट वन, दैट इज डिवाइड से ये थोड़ा ज़्यादा सब्सट्रैक्ट का वेरिएंट है बड़े वाला, बट आई ऑलवेज यूज क्लासिक डिफरेंस बिकॉज क्लासिक डिफरेंस से काफ़ी अच्छा लुक आता है, ज़्यादातर डिस्टर्ब भी नहीं होती आपकी फुटेज, ठीक है। एंड आई हैव टोटल 5 पंच होल ट्रांजिशन हियर, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, लाइक मज़ा आ जाएगा भैया, आपकी एनर्जी इतनी हो जाएगी आपकी रील के अंदर की बस इट विल लुक लाइक अ रैप वीडियो, देख सकते हो। सी लास्ट नॉट दैट इज मैंने एक 8mm टेक्सचर डाला है, वो भी आपको दिखाता हूँ, मैं वो मैंने इम्पोर्ट करना भूल गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन, सी दिस लुक सो ग्रेट, ये मैंने अपनी कोर्स वाले ट्रेलर में यूज़ किया था एंड काफ़ी अच्छा लगता है। यू कैन यूज़ इट विद स्क्रीन और कलर डॉज में ये ज़्यादा थोड़ा सा ग्रंजी लगेगा, स्क्रीन में थोड़ा सा हल्का लगेगा, वो आप पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आई हैव दिस इन साइड द पैक टू एंड दैट इज़ फॉर टूडेज वीडियो। ये पैक ऐसा था, इसको यूज़ करो, मेक सम सिनेमैटिक रील्स बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन रील्स, इंस्टाग्राम रील, लाइक सिनेमैटिक रील्स सब जगह ट्रेंडिंग है। दिस इज एंड दैट इज़ अबाउट टूडेज वीडियो, एंजॉय द पैक। सो गो हेड इन टू द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दिस पैक, क्योंकि भैया ये बहुत मदद करने वाला है आपके पीस ऑफ कॉन्टेंट को सिनेमैटिक्स में बदलने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, लाइट लीक्स और फिल्म बर्न्स, लाइट लिक्स एक दोनों सेम चीज़ है। फिल्म बर्न्स को यूज़ करोगे यार भैया इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी ट्रांजिशंस पे, मज़ा आ जाएगा। सो या दैट इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो, भाई मैंने तार खींच दी थी, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई एम लेट, साइनिंग आउट।